किस्सा पंडित नेहरू और उस महिला का जिसने पकड़ लिया था नेहरू का गिरेबान। देश के पॉलिटिकल किस्सों वाली डायरी से आज आपके लिए लाए हैं एक ऐसा ही दिलचस्प किस्सा जो शायद आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगा। हो सकता है कि गुजरे दशकों और बदलते दौर में आप उस घटना की तुलना भी करें या वैसा होने की कल्पना और उसके परिणाम पर भी विचार करें। खैर, ये किस्सा जुड़ा है देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से, जो खुद को देश का प्रधान सेवक कहलवाना पसंद करते थे। उनका मानना था कि देश में प्रधानमंत्री की भूमिका प्रधान सेवक के तौर पर ज्यादा बेहतर परिभाषित हो सकती है। ये किस्सा उस वक्त का है जब देश को आजाद हुए कुछ हफ्ते ही गुजरे थे और जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री का पदभार संभाला था। देश विभाजन का दर्द सह रहा था, हर तरफ अभाव था और जनता कई परेशानियों के थपेड़े झेल रही थी। आजाद भारत की पहली सरकार की ओर देश की जनता बड़ी उम्मीदों से देख रही थी। एक दिन पंडित नेहरू संसद परिसर में पहुंचे। उन्हें देखने वालों की भीड़ जमा थी। उनके गाड़ी से उतरते ही उस भीड़ में से एक बुजुर्ग महिला तेज कदमों से नेहरू के करीब पहुंची और इससे पहले कि उसे रोका जाता उसने लपक कर नेहरू का गिरेबान ही पकड़ लिया। ये देखकर सब दंग रह गए। सुरक्षा कर्मी उसे हटाने लगे तो उसने नेहरू से एक सवाल पूछा। नेहरू का गिरेबान पकड़ने वाली उस बुजुर्ग ने पूछा, देश आजाद हो गया, तुम प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन मुझ बुढ़िया को क्या मिला? इस पर नेहरू का जवाब था, आपको ये मिला कि आप देश के प्रधानमंत्री का गिरेबान पकड़ कर खड़ी हैं। नेहरू की जिंदगी से जुड़े ऐसे कई किस्से हैं जो लोकतंत्र में उनके विश्वास को उजागर करते हैं। ये बात है 1955 की। बिहार में छात्रों पर पुलिस ने फायरिंग की थी। बाद में जब नेहरू पटना पहुंचे तो उस समय 20 साल के एक नौजवान सैयद शहाबुद्दीन ने 20,000 छात्रों के साथ पटना हवाई अड्डे पर नेहरू के खिलाफ प्रदर्शन किया और उन्हें काले झंडे दिखाए। केवल 2 साल के बाद ही उस नौजवान ने सिविल सेवा की परीक्षा में सफलता हासिल की, लेकिन खुफिया विभाग ने उसी विरोध प्रदर्शन का हवाला देते हुए उन्हें वामपंथी करार दिया और उनकी नियुक्ति पर रोक लगा दी। बाद में जब फाइल नेहरू तक पहुंची तो नेहरू ने खुद अपने हाथों से फाइल पर लिखा कि उस विरोध प्रदर्शन का राजनीति से कोई संबंध नहीं है और ये नौजवानी के उल्लास में किया गया काम था। विदेश मंत्री रह चुके नटवर सिंह ने खुद शहाबुद्दीन को ये बात बताई और नेहरू की फाइल नोटिंग की एक कॉपी भी शहाबुद्दीन को दी। शहाबुद्दीन विदेश सेवा के लिए चुने गए और जब अटल बिहारी वाजपेयी जनता पार्टी की सरकार में विदेश मंत्री थे उसी समय शहाबुद्दीन ने नौकरी से इस्तीफा देकर राजनीति में आने का फैसला किया। 80 के दशक में बाबरी मस्जिद और शाहबानो मामले को राजनीतिक मुद्दा बनाकर शहाबुद्दीन एक बड़े नेता बनकर उभरे थे। वो एक बार राज्यसभा और 2 बार लोकसभा के लिए चुने गए। नेहरू ने अगर शहाबुद्दीन को क्लीन चिट नहीं दी होती तो उनका क्या होता ये कहना मुश्किल है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।